हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ जिसको बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड है। मतलब 9 से 10 मिनट लग जाते हैं। पहले फ़ोन्स को डाउनलोड करो, फिर पिक्सल लैब को डाउनलोड करो, फिर वहाँ पे फोटो एडिट करो, फिर डाउनलोड करो, फिर वहाँ लेके जाओ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को सिंपल क्या करना है, एक क्लिक करना है और आपके नाम के साथ में, इफेक्ट के साथ में और ऑटोमेटिक साउंड के साथ में आपका वीडियो कम्प्लीट बन जाएगा। सिंपल आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोस के लिए। और इसके बाद सिंपल देखो तुम्हें करना क्या होगा, जिस वीडियो को तुम देख रहे हो ना, उसके टाइटल पे क्लिक करना और आपको एक मिलेगा लिंक। सिर्फ आपको उस लिंक पे क्लिक कर देना। उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद सिंपल क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको जो है अपना नाम जनरेट कर देना, ठीक है। यहाँ आपको मिलेगा जनरेट पिक्चर बाय योर नेम, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको जो टाइप योर नेम आपको लिख देना है, अपना नेम जो भी आप लिखना चाहो। चलो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिद्धू मूसेवाला, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला ऐड किया। इसके बाद बॉटम पे जो है आप जहाँ भी आप ऐड करना चाहो, जैसे टॉप लेफ्ट पे, टॉप राइट पे या टॉप सेंटर में, जहाँ भी आप करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। चलो जैसे कि मैं टॉप मतलब बॉटम सेंटर पे रहने देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल जनरेट पे क्लिक कर देना है। या फिर आप फॉन्ट्स को चेंज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करना है तो आपको देख सकते हो यहाँ पर आपको सामने कुछ इस तरीके का आपका जो है नेम यहाँ दिखने लगेगा, ठीक है। आपको करना क्या, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अगर आपको वो वाला बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा तो आप वापस से जनरेट कर सकते हो। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का भी आ जाएगा। ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड द पिक्चर पर क्लिक कर देना, इमेज पर क्लिक कर देना। ये यहाँ पर आपका डाउनलोड हो चुका है। एक बार बैक आना है, फिर आपको सिंपल क्या करना है, वापस से बैक आना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर आपको मिल रहा होगा यूज़ द टेम्पलेट इन कैपकट, ठीक है। ये आपको कर देना है। अगर आपके पास कैपकट नहीं है तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बिल्कुल नया वर्जन मैंने वहाँ पिन करके रखा हुआ, जाकर डाउनलोड कर लेना। और उसके लिए आपको एक वीपीएन कनेक्ट करना ज़रूर होता है और आपको मालूम होगा मैंने यहाँ पर टर्बो वीपीएन को कनेक्ट करके रखा हुआ। आप कोई सा भी वीपीएन कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यूज़ टेम्पलेट पर क्लिक करना होगा आपको। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल क्या करना होगा, इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप वीपीएन कनेक्ट नहीं करते तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल क्या करना है, यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करना है। यूज़ टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद फोटोज़ पे जाना है। जिस फोटोज़ को जस्ट अभी आपने डाउनलोड किया था उस पर प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। और प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है आपका जो फोटो, जो आपका वीडियो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जैसे कि तुम देख सकते हो इफेक्ट के साथ में। अब मैंने क्या करना है, बॉटम सेंटर करा था तो मेरा फोटो नेम जो थोड़ा सा नीचे आ रहा है। आपको सिंपल क्या करना है, आपको सेंटर कर देना है। ओनली सेंटर बीच में आ जाएगा, जहाँ आप ऐड करना चाहो वहाँ आप ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बताया है और आप लोगों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना, साउंड भी इसमें ऑटोमेटिक आ चुका है। जो भी आप साउंड ऐड करना चाहो आपकी मर्जी है कर सकते हो, वो आप इंस्टाग्राम से भी कर सकते हो या आप कैपकट से भी कर सकते हो, वीएन से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सिंपल क्या करना है, इसमें जो साउंड वायरल हो रहा है वही साउंड इसमें मिल चुका है और वो इसमें आ चुका है, तो आप इसको रहने देना। एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाना, अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, डायरेक्ट जाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देना। हो सके तो मेंशन कर देना, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोज़ के लिए। तो यही था आज के इस वीडियो।